हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया की ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। इनका पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम सुदोधन था और महामाया था। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं, क्या नाम था इसके माता का नाम? तो सुदोधन, सुदोधन। और आपका जो महामाया था, महामाया नाम था। तो महावीर स्वामी के माता का नाम और पिता का नाम मैंने आपको बता दिया कि महावीर स्वामी के माता का नाम जो था वो कौची नाम था, महायान था। और आपका जो है सुदोधन जो था उनके पिता का नाम था। ये बौद्ध धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया के लाइट कहा जाता है। और आपका जो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लाल लालन पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। आगे बात करें, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था। मतलब बचपन से ही गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते थे और वो बहुत ही सुलभ विचार के थे। इनके पिता ने इनका विवाह 16 की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल हुआ। इनकी जब शादी हो गई 16 की उम्र में, तब इन्होंने सारे कार्यक्रम पूरा कर लिए। तब इनसे एक पुत्र हुए जिसका नाम रखा राहुल। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन की चार अवस्थाओं को देखा, जिनके बाद इनके मन वैराग्य उत्पन्न हो गए। इन्होंने जब राजमहल से अपने बाहर निकला, अपने राजमहल से जब बाहर निकला घूमने के लिए, भ्रमण के लिए, अपने युवराज और युवराज युवराज की तरह और एक एक रथ पे निकला, तब इन इन्हें इनको चार लोग मिले। चार लोग मिले तब इनके दिल में करुणा की भाव उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? वैराग्य उत्पन्न हो गई इनके हार्ट में। सबसे पहला जो इंसान मिला था इनको मिला था बूढ़ा व्यक्ति मिला था। बूढ़ा व्यक्ति मिला तब इनको देखकर बोला कि बूढ़ा व्यक्ति ये ऐसा क्यों है? तो बोला कि महाराज, जब इंसान जन्म लेती है तो वो बूढ़ा भी होते हैं और होती है। तो युवराज ने बोले कि क्या हम भी होंगे? तो बोले कि हाँ युवराज, ये परंपरा, ये प्रकृति का नियम है, जो इंसान जन्म लेती है वो बूढ़ा भी होती है। उसके बाद जब रथ को आगे बढ़ाएं तो एक मिला एकदम बीमार व्यक्ति, एकदम जोर से लथपथ बुखार लगा हुआ था। तो बोला कि ये ऐसे क्यों कर रहा? तो बोल रहा है कि ये इंसान है जिसको जिसको जोर लगा हुआ है, बुखार लगा हुआ है, और ये बुखार से एकदम तैलफल है, तड़प रहा है। तो बोला क्या हम भी हो जाएंगे? तो बोला कि हाँ युवराज, जो इंसान धरती पे जन्म लेते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी होती है, तो वो इसी तरह से तड़पते हैं। उसके बाद है सब, मतलब कि सब मतलब होती है डेड बॉडी, कह रहा मतलब डेड बॉडी जा रहा था। तो बोला कि ये क्या? तो बोला कि जो इंसान जन्म लेता है वो इंसान मृत्यु भी होती है, और ये अपने सारे संस्कार पूरा करके अब ये अपने धाम लौट रहे हैं। तो बोले कि क्या हम भी लौटेंगे? तो बोले कि हाँ। उसके बाद में एक एक मिले, जो पूरा मिले सन्यासी, एकदम खा पी के तंदुरुस्त, एकदम लाल मिले। तो बोले ये क्या कर रहा है? तो बोल रहा है कि सन्यासी है जो तपस्या कर रहा है। तो तपस्या क्यों कर रहा? तो तपस्या कर रहा इसलिए ताकि इनको इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो बोला कि अच्छा। इन चारों को देखकर महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के जीवन पर एकदम एकदम करुणा की भाव वैराग्य उत्पन्न हो जाती है। और उसी टाइम इन्होंने इन्होंने अपने घर त्यागने का निर्णय ले लेता है। और सन्यासी समस्याओं ने व्यथित होकर सिद्धार्थ ने
29 बरस की अवस्था में गृह त्याग त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिष्कर्म कहा गया। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे रखते रहे फिर इन्हें अनार कला अलार अलार कलाम मिले, जो इन्हें पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वहाँ भी इन्होंने नहीं रुका। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। उसके बाद में आपका जो कठिन तपस्या के बाद 35 बरस की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया और उन्हें यह उपदेश पाली भाषा में दिया गया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवास्तव में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की आयु में, तब उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। संसार दुख से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो है कि बुद्ध संघ धम्म, ये 3 गो हैं। उसके बाद में बात करें तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध ने अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के जो अनुयायी हुए थे वो 2 भागों में बटे गए थे। एक तो था भिक्षुक, एक तो था उपासक। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया। मतलब भिक्षुक जो कहते थे कि बौद्ध धर्म के प्रचार करना है तो क्या करना होगा, वो आपको भिक्षुक मतलब बौद्ध संन्यास ग्रहण करना। लेकिन उपासक जो थे वो कहते थे कि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया जा सकता। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 बरस थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम सीमा जो था वो 15 बरस था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म है कमल और सांड, गृह त्याग है घोड़ा, ज्ञान है पीपल, निर्माण है पद चिन्ह, मृत्यु है स्तूप। 80 बरस की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा अस्तूप शांति स्तूप है। उसके बाद आप बात करें तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। 483 ईसा पूर्व में राजगीर में उस टाइम जो राजा था वो अजात शत्रु था, वो पुरोहित था, महाकश्यप था। और 383 ईसा पूर्व में वैशाली में प्रचार प्रसार के लिए स्थान था वैशाली था, और वो राजा वहाँ के कौन था उस टाइम का काला शोक था, और पुरोहित शव कामे था। उसके बाद स्थान 255 BC में पाटलिपुत्र उस समय जो था वो अशोक था और मोगा लिपु था। उसके बाद में जो प्रथम वर्ष था वो कुंडल वन में हुआ था। उस टाइम राजा था कनिष्क था और पुरोहित जो था वो वसुमित्र हुआ था।
उसके बाद में हम देखते हैं कि 24 उसके बाद देखते हैं कि चौथी बौद्ध संहिति के बाद बौद्ध धर्म के दो भागों में बांटा गया, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान में यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, यह नवीन रूप है, मतलब कि प्राचीन रूप हीनयान है और नवीन रूप आपका महायान है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा काम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, लेकिन यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। उसके बाद है कि यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, मतलब हीनयान है जो कि बुद्ध के प्रतीकों को पूजा करते हैं, लेकिन यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा पूजा या बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं या बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं या बुद्ध के प्रतीकों का पूजा करता। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचयिता, इनका ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचयिता। यह कर्म एवं धर्म में विश्वास रखते हैं, यह परोपकार पर विश्वास रखते हैं। और अब इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया यदि देशों में हुआ है, लेकिन इसका प्रसार जो है वो चीन चीन तिब्बत जापान जापान कोरिया आदि देशों में हुआ है। उसके अंदर बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, ये मूल रूप से पाई जाने वाली भाषा रचे हैं, इनकी इनकी संख्या 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें इसमें भिक्षु एवं भिक्षु 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 भिक्षुनिकों का आचरण संबंधित नियम है। आज विनय पिटक में आचरण संबंधित नियम है, सूत पिटक में इसमें बौद्ध बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं, अभिधम्म पिटक में इनमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याओं दी गई है। इसका इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा कथा वस्तु है, जातक कथो। यह मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं, इसकी संख्या 549 में। इसमें बुद्ध में पुनर्जन्मों की कथाएं हैं। तो बाकी चीज़ मैं PDF आपको दे दूंगा, वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे। बाकी चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। शांति स्तूप सांची सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था सांची का स्तूप जो अशोक ने किया था। अजंता और एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो वो है अजंता और एलोरा की गुफा भारत के महाराष्ट्र जिले में है। उसके बाद में किन्हीं एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? हाँ, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ कहाँ लिया था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो वो प्रतीक को इंगित करता। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? संबंध नहीं है तो बाबापुरी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया था। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो इंडोनेशिया में स्थित है। बुद्ध का जन्म में हुआ बुद्ध नगर बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध से है। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। बौद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर धर्म चक्र परिवर्तन किया जाता है सारनाथ में, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुआ? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। मुलाकात हुई किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। और बिहार पुलिस के मैं तैयारी करवा रहा हूँ। बिहार पुलिस इस बार चाहे जो हो जाए आपको क्रैक करवा के ही छोड़ेंगे।
ये आप लिख लीजिए।